जितना जरूरी है किसी काम को करना, उनसे भी ज्यादा जरूरी है किसी काम को सही समय पर करना। यस माय डियर फ्रेंड्स, एक समय था इंडिया में जब आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर में इतने ज्यादा इनकम मिल रहे थे, इतने ज्यादा अपॉर्चुनिटी थे, रोजगार थे। एक समय था इंडिया में जब इंश्योरेंस पे लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे थे, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी, इतना ज्यादा लोग उसमें काम कर रहे थे। एक समय था इंडिया में जब रियल एस्टेट का बिजनेस चल रहा था इंडिया में, और अब आने वाला समय में इंडिया में जो बिजनेस बूम करेगा, जो बिजनेस बहुत ज्यादा चलने वाला है, उस बिजनेस का नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। यस माय डियर, ये मैं जो बात आपको बता रहा हूँ वो बात ये मैं कुछ तथ्य, कुछ रिपोर्ट, कुछ फैक्ट जो सब इकट्ठा करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें पहला है वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन WFDSA। आप उस वेबसाइट पे जाके देख भी सकते हैं जो मैं आपको रिपोर्ट देने वाला है, जो तथ्य चौंकाने वाले रिपोर्ट होंगे, जो आप देख के समझ जाएंगे कि आने वाले बिजनेस कौन से होंगे, कौन से बिजनेस में ज्यादा इनकम होने वाले, कौन से बिजनेस हमको ज्यादा रोजगार देने वाले है, कौन से बिजनेस में हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। वो फैक्ट, वो रिपोर्ट मैं आप तक पहुंचाने वाला हूँ। 4 से 5 फैक्ट में ऐसा बताऊंगा आपको कि जिससे देख के आप समझ जाएंगे कि नहीं, सही में आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का है। पहली बात करता हूँ WFDSA। आप वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं इसका रिपोर्ट, www.wfdsa.org, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। उसने 2 जून 2018 में एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में उसने बताया था, यह संस्था यूएसए की है, यूएसए में पिछले 40 साल से रन कर रही है डायरेक्ट सेलिंग को आगे बढ़ाने के लिए। उसका एक रिपोर्ट था ग्लोबल सेल्स 2017। उस रिपोर्ट में इस इंडस्ट्रीज के कुल बिजनेस के बारे में बताया, तो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने ऑल ओवर वर्ल्ड में कुल बिजनेस किया है 13,27,427 करोड़ का बिजनेस किया है। इसमें सबसे ज्यादा बिजनेस यूएसए अमेरिका में हुआ था, 2,44,300 करोड़ का बिजनेस। उसके बाद आता है चाइना, चाइना में भी 2,40,000 करोड़ के आसपास बिजनेस हुआ था। उसके बाद आता है कोरिया, कोरिया ने 1,20,000 और जापान ने 1,07,000 के आसपास का बिजनेस किया था इसमें से। मलेशिया ने इस बिजनेस में 32,000 के आसपास का बिजनेस किया था, ताइवान ने 27,000 के आसपास का बिजनेस किया, और इंडिया ने 10,591 करोड़ का बिजनेस इस इंडस्ट्रीज में किया था। तो पॉपुलेशन के हिसाब से हम देखे जाए तो इंडिया में बहुत कम है, यूएसए चाइना इस बिजनेस में बहुत ज्यादा इनकम ले रहे हैं, ज्यादा टर्नओवर उसमें हो रहा है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो इंडस्ट्री का ग्रोथ अब बढ़ रहा है, उसके हिसाब से आने वाले आंकड़े चौंकाव नारे हो सकते हैं। इंडिया में भी यह बिजनेस बूम करेगा, क्योंकि धीरे धीरे हम उस इंडस्ट्री में ज्यादा समझने लगते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस इंडस्ट्री के बारे में गलत व्याख्या दे दी है, इसीलिए लोग के मानसिकता को चेंज करने। अब बात करते हैं पीपल की, ये मैंने बात की टर्नओवर की, अब कितने लोग इन बिजनेस में इन्वॉल्व है ऑल ओवर वर्ल्ड में, 2017 की ये रिपोर्ट है उसकी बात कर रहा हूँ। तो कहता है इस बिजनेस में 11,67,000 लोग इस बिजनेस में शामिल थे, उसमें सबसे ज्यादा लोग थे यूएसए। यूएसए में इस बिजनेस में 1,86,00,000 लोग शामिल थे। इसके बाद आता है थाईलैंड, थाईलैंड में इस बिजनेस में 1,13,00,000 लोग शामिल थे। कोरिया का नंबर आता है, कोरिया की बात करते हैं तो 83,60,000 लोग इसमें शामिल थे। और इसके बाद ताइवान, ताइवान में 29,50,000। और इंडिया की बात करते हैं हम तो इंडिया में सिर्फ 51,00,000 लोग इस बिजनेस में शामिल थे। तो जो इंडिया की पॉपुलेशन है इसके हिसाब से देखा जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड में ज्यादा पॉपुलेशन चाइना की बात करते इंडिया में है, और इंडिया में इस बिजनेस का चांस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनी है। क्योंकि अमेरिका में, यूएसए में इतने लोग इस बिजनेस से जुड़े हैं, कोरिया में, थाईलैंड में इतने लोग जुड़े हैं, तो हमारी पॉपुलेशन तो उनसे भी ज्यादा है। अमेरिका में जो रोजगार दे सकता है, तो इंडिया में भी आने वाले समय में ये बिजनेस बहुत ज्यादा चलने वाला है। ये सिर्फ WFDSA नहीं कहता है, फिक्की, इसके बाद चौंकावना रिपोर्ट आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। फिक्की का रिपोर्ट आपको कहता है, फिक्की मतलब क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। फिक्की की
स्थापना 1927 यानी कि हमारे देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले उसकी स्थापना हुई थी और इंडिया में जो भी इंडस्ट्री रन कर रही है उसको विकास करने के लिए यह संस्था कार्यरत है। और यह संस्था ने एक रिपोर्ट पेश किया था, उस रिपोर्ट में उसने साफ साफ बताया था फिक्की और केपीएमजी ये दोनों मिलकर एक रिपोर्ट पेश किया था कि 2025 तक इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में से 64,500 करोड़ रुपए का कारोबार होगा 2025 तक, और इसमें इतने लोग शामिल होंगे उसका भी इसने रिपोर्ट में स्पेस किया था, उल्लेख किया था कि 180,000 लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में से रोजगार ले रहे होंगे। फिक्की कह रही है, न्यूज रिपोर्ट कह रहा है, आपके सामने न्यूज रिपोर्ट के कटिंग भी मैं रख रहा हूँ। और महिलाओं के लिए भी एक अच्छी खबर है कि फिक्की कहती है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में 60% महिलाएं होगी जो इस इंडस्ट्रीज में से रोजगार ले रही होगी। और इंडिया की बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन थे, बड़े बड़े जो हमने अभी प्रोजेक्ट लॉन्च किया था उसमें भी डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा है। मेक इन इंडिया की बात करें, स्किल इंडिया की बात करें, स्टार्टअप इंडिया की बात करें, डिजिटल इंडिया की बात करें, वुमेन्स पावर की बात करें, तो इसमें सबसे ज्यादा सबसे बड़ा योगदान है वो डायरेक्ट सेलिंग का है। और ये सब न्यूज रिपोर्ट भी आप देख रहे हैं कि न्यूज रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि इंडिया में रोजगार कम होने जा रहा है और रोजगार सबसे ज्यादा लेने वाली कोई इंडस्ट्रीज हो तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है। हाँ, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है आने वाले समय में इतना बूम करेगी, इतना चलने वाली है और आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अभी रोजगार का जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंडिया में है, रोजगार के लिए लोग पीछे भाग रहे हैं, पहले गवर्नमेंट जॉब मिल रहा था, अभी गवर्नमेंट जॉब धीरे 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 खत्म हो जा रहा है, डिजिटल जब युग आ रहा है, बैंकिंग में काम कम भरने लगा है, अभी पैसा भरना होगा निकालना हो तो हम एटीएम में जाते हैं, उधर पैसे भर देते निकाल देते, ट्रांजेक्शन करना हो तो डिजिटल है, फोन पे गूगल पे सबका यूज कर रहे हैं, बैंकिंग में जॉब नहीं रहा है, कोई भी इंडस्ट्रीज में ले लो धीरे धीरे जॉब का परसेंटेज घट रहा है और आने वाले इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लोग कोई इंडस्ट्रीज में से इनकम ले रहे होंगे तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है। अमेरिका में इतना ज्यादा लोग कमा रहे हैं, अमेरिका में इतना ज्यादा बिजनेस हो रहा है तो आने वाला समय इंडिया में भी ये बिजनेस बूम करेगा। इससे अच्छा है आप अभी से बिजनेस स्टार्ट कर दो। और आपके मन में ये भी प्रश्न अभी आ रहा होगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है? नहीं, आपने जो मन में अभी डायरेक्ट सेलिंग की व्याख्या बनाई रखी है या तो किसी ने आपको समझाया रखा है कि डायरेक्ट सेलिंग ऐसे ऐसे लोग काम करते हैं, ऐसे जुड़ते हैं, ऐसे चेन सिस्टम होती है, नहीं ऐसे नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस है, एक कंसेप्ट है और सही तरह से सही ढंग से और सही कंपनी के साथ किया जाए तो आपके हर सपना पूरा करने की ताकत इस बिजनेस में है। इसीलिए मैं अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग कैसी कंपनी के साथ करना चाहिए, कैसी कंपनी के साथ जुड़ना चाहिए और सबसे ज्यादा इनकम कैसे होगी डायरेक्ट सेलिंग में, वो वीडियो में आगे लेकर आने वाला हूँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिला हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे हम आगे आने वाले आपके इससे भी ज्यादा अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाने लगे। तब तक रजा दीजिए, जय हिंद, वंदे मातरम।